ओके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कहते यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी देखो पी एक्स एक पोलीनोमियल है, जी एक्स भी पोलीनोमियल है, तो आपको चेक करना है क्या ये जो जी एक्स है क्या इस पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, यानी इस पोलीनोमियल का क्या एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं है। तो क्या मैंने बताया इसे फैक्टर चेक करना है तो ये समझो कि x प्लस वन से हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो डिवाइजर है उसको जीरो की इक्वल करते हैं, यानी जिससे हम फैक्टर चेक करना फैक्टर है या नहीं तो उसको जीरो की इक्वल करो। एक्स प्लस वन जीरो तो एक्स वैल्यू कितना आएगा माइनस वन। अब इस एक्स वैल्यू माइनस वन इस पोलीनोमियल पुट करो, पुट करने के बाद अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। ओके तो पी एक्स दिया हुआ और जी एक्स दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे जी एक्स को जीरो करके एक्स वैल्यू निकालो। ओके इसी को चेक करना फैक्टर है या नहीं। टेक आपको पी एक्स कितना बच्चे पोलन में पी एक्स दिया हुआ टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। ओके अब जो जी एक्स है उसको क्या करेंगे जीरो की इक्वल करेंगे, इसे चेक करना फैक्टर है या नहीं है। टेक जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स है कितना एक्स प्लस वन है, यानी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दिस मीन्स एक्स की वैल्यू कितना आएगा प्लस वन है तो राइट साइड माइनस वन वन हो जाएगा, ये आ गया एक्स इक्वल टू आ गया माइनस वन। अब इस एक्स की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इस पोलीनोमियल में पुट करेंगे, देखो पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ रहा है नौ, एक्स वैल्यू माइनस वन पुट कर दो पोलीनोमियल पी एक्स में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस वन पुट करो, टू इंटू एक्स क्यूब है तो एक्स की माइनस वन पुट करो तो टू इंटू माइनस वन पावर थ्री प्लस माइनस वन के स्क्वायर माइनस इसमें मैं पुट कर रहा हूँ टू माइनस वन माइनस वन। ओके इक्वल टू टू इंटू माइनस वन पावर थ्री कितना का माइनस वन आएगा। ओके नेगेटिव पावर और नंबर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस वन आ गया, फिर देखो माइनस टू इंटू माइनस वन तो प्लस टू आ जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस वन। ओके तो कितना आ गया बच्चे टू इंटू माइनस वन कितना आ गया माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन। अब देखो बच्चे प्लस टू और माइनस टू कैंसिल होगा, प्लस वन भी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया जीरो आ गया, यानी पी माइनस वन जीरो आ गया। अगर माइनस वन पुट करने के बाद एक्स वैल्यू माइनस वन पुट करने के बाद पी एक्स वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये एक्स प्लस वन फैक्टर है यानी जी एक्स फैक्टर है। ओके जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर है, तो देयरफॉर क्या आ गया देयरफॉर एक्स प्लस वन ये फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स प्लस वन है क्या एक्चुअल में जी एक्स है, दिस इंप्लाई दैट जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये आंसर हो गया। ओके फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देख लो बच्चे यहाँ पे ये करना कि क्या चेक करो क्या ये जी एक्स यानी एक्स प्लस टू क्या पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ वही करेंगे इसको जीरो की इक्वल करो एक्स वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स वैल्यू कितना आएगा माइनस टू, माइनस टू की इसमें पुट करो, अगर पी माइनस टू जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस टू फैक्टर है अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो क्या है एक्स क्यूब
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, ओके एक्स क्यूब सेकेंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यही है। और जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस टू दिया हुआ है, देख लो यही है। अब चेक करना क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, जी एक्स को जीरो करो, टेक जी एक्स इक्वल जीरो, दिस इम्प्लाई दैट जी एक्स है कितना, एक्स प्लस टू है इक्वल टू जीरो, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू। अब इस एक्स वैल्यू माइनस टू पुट करो पी एक्स में, नौ, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस टू पुट करो, माइनस टू पावर थ्री प्लस थ्री माइनस टू के स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस टू पुट कर दो, थ्री माइनस टू प्लस वन। देखो माइनस में निगेटिव पावर और नंबर निगेटिव आएगा, टू पावर थ्री एट, थ्री इंटू निगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस टू स्क्वायर कितना आएगा, प्लस फोर। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स आ जाएगा, प्लस वन। तो आगे बच्चे माइनस एट, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, माइनस सिक्स प्लस वन। अब देखो ट्वेल्व अब प्लस वन कितना आएगा, थर्टीन, माइनस एट माइनस सिक्स हो गया माइनस फोर्टीन, ओके। तो थर्टीन माइनस फोर्टीन कितना आएगा, माइनस वन, कितना आ गया माइनस वन, यानी कि पी माइनस टू की वैल्यू आ गया माइनस वन। क्या माइनस वन जीरो की इक्वल है, नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट पी माइनस टू जीरो की इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस वन की इक्वल है जो जीरो नहीं है। अगर पी माइनस टू जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अगर एक्स वैल्यू इसमें पुट किया माइनस टू, जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस टू फैक्टर नहीं है, जी एक्स क्या है, फैक्टर नहीं है। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफोर एक्स प्लस टू इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट एक्स प्लस टू है क्या, जी एक्स है, जी एक्स एक्स प्लस टू की इक्वल है ना। अगर एक्स प्लस टू फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स। ये आपका आंसर हो गया, फैक्टर नहीं है जी एक्स। ओके थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट क्या कर कि एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स पूर्व पी एक्स है, कहता है क्या इस पी एक्स का ये जी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, यानी एक्स माइनस थ्री क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फिर वही प्रोसेस, इसको जीरो की कॉल करो, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, थ्री। अब एक्स के वैल्यू थ्री को पी एक्स में पुट करो, यानी पी थ्री की वैल्यू निकालो, अगर ये जीरो आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज एक्स माइनस थ्री फैक्टर नहीं है, ओके। तो पी एक्स कितना है, जी एक्स कितना लिख लेते हैं हम लोग, पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर लेट कर लेते हैं, हाँ लेट नहीं, पी एक्स तो ऑलरेडी गिवेन है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, यही है ना, देख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, यही है। एंड जी एक्स कितना है, एक्स माइनस थ्री, जी एक्स है एक्स माइनस थ्री। आपको चेक करना क्या ये जी एक्स
पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, तो जी एक्स को जीरो करो। सेम प्रोसेस है, अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया सारे क्वेश्चन कर लोगे। जी एक्स इक्वल टू जीरो करो, दिस इंप्लाई दैट जी एक्स है कितना, एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, दिस इंप्लाई दैट एक्स को वैल्यू कितना आ गया थ्री, क्योंकि माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स वैल्यू आ गया थ्री। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पुलन मिल पी एक्स में पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ थ्री पुट कर दो, थ्री थ्री थ्री, जहाँ एक्स है थ्री पुट करो। नाउ पी एक्स में एक्स की जगह थ्री पुट करो, पी थ्री वैल्यू फाइंड आउट करो, थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर, ओके प्लस थ्री प्लस सिक्स, थ्री का क्यूब होता है 27 माइनस फोर इंटू थ्री के स्क्वायर 9 प्लस थ्री प्लस सिक्स 27, 9 इंटू फोर कितना होता है 36, थ्री प्लस सिक्स 9। अब देखो बच्चे 27 को 9 से प्लस करो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि आपको आ गया पी थ्री की वैल्यू जीरो आ गया, पी थ्री की वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो आ गया, इसका मतलब है कि x माइनस थ्री फैक्टर है, कि आपने x माइनस थ्री को जीरो किया तो x वैल्यू निकाला थ्री, थ्री पुट किया पॉलीनोमियल में तो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब x माइनस थ्री फैक्टर है, मीन्स जी एक्स फैक्टर हो गया, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो x माइनस थ्री किसके कुल है, जी एक्स के कुल है, तो जी एक्स भी फैक्टर हो जाए। ओके, वही लिख देंगे, दिस देयरफॉर एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, दिस इंप्लाई दैट जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये आंसर हो गया। जी एक्स का थर्ड पार्ट में जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, क्योंकि पी थ्री की वैल्यू जीरो आ रहा है, पी थ्री जीरो आ गया, आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर पी ए जीरो है तो इसका मतलब एक्स माइनस ए फैक्टर है, तो पी थ्री जीरो है इसका मतलब एक्स माइनस थ्री क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। ओके, तो क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ओके।